हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मूलांक चार मींस के जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31 है, 4, 13, 22 और 31, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो उन लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय उनका कैसा रहने वाला है। बिफोर वी प्रोसीड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मूलांक चार इज रूल्ड बाय राहु। राहु एक छाया ग्रह है और मूलांक चार के जो जातक हैं वो राहु के द्वारा ही रूल किए जाते हैं। ये जातक बहुत मेहनती होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो हेल्प भी बहुत करते हैं, पर इनको समय समय पर ड्रॉबैक्स देखने पड़ते हैं, परेशानियां बहुत झेलनी पड़ती हैं, पर ये बहुत मेहनती होने के कारण अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल आते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और एक्सपेक्ट भी ईमानदारी करते हैं। यदि इनके साथ काम करने वाला कोई आदमी ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो इनका गुस्सा एकदम शूट अप कर जाता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिए इनके ट्रेड्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले कैरियर, कि जो लोग जो जातक मूलांक चार वाले हैं उनका कैरियर कैसा रहने वाला है और उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उनको कैरियर में हरगिज नहीं करनी है। जो लोग जॉब में हैं लाइक टीचर्स, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, जो लोग जॉब में हैं उन लोगों ने यदि पूरी मुस्तैदी से, पूरी लगन से अपना कार्य किया तो उनको सक्सेस, खूब सक्सेस मिलने वाली है और वो उनकी खुशी का कारण बन जाएगी। वो जो सक्सेस उनको मिलने वाली है वो उनकी प्रसन्नता का कारण बन जाएगी। इस वर्ष में आपके फाइनेंसेस भी शूट अप करेंगे, प्रमोशन मिल सकता है, नया जॉब मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो आपके फाइनेंसेस भी खूब शूट अप करने वाले हैं। वो भी एक रीज़न होगा आपके खुश रहने का। आप यदि चाहें तो अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, बट बिफोर यू चेंज योर जॉब, जो अगला जॉब आप ज्वाइन करने वाले हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी पूछताछ कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा वो जॉब परमानेंट है या नहीं, देन ओनली यू चेंज द जॉब। दूसरा ये है कि यदि सपोज आपको आपके पास जॉब है ही नहीं तो आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। चूंकि आप इतनी मेहनत से काम करने वाले हैं तो आपका प्रमोशन भी पक्का है और प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के यदि कहा जाए तो जॉब करने वाले लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। आइए अब हम देखते हैं द पर्सन हु आर इन बिजनेस, जो बिजनेसमैन है उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। बिजनेसमैन के लिए कहा जा रहा है कि प्रॉफिट्स तो आपको मिलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने को बिजनेसमैन के साथ प्लान करके चलना है। सपोज आप कपड़े के व्यापारी हैं तो जो दूसरे कपड़े के व्यापारी हैं उनके साथ आप प्लानिंग कर लीजिए, रेट्स फिक्स कर लीजिए जिससे हर किसी को प्रॉफिट हो। इस तरीके से आपको प्लानिंग करके करना पड़ेगा। तो जो बिजनेसमैन है वो प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो उनको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। आप में से कुछ लोगों का यदि कोचिंग का बिजनेस है या आप किसी स्कूल या कॉलेज से जुड़े हुए हैं तो भी उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं उन लोगों को भी विश्व शांति और सुरक्षा की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हलचल चल रही है। आपका जो सोशल स्टेटस है उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने संबंधों को मजबूत कीजिए, एनी टाइप ऑफ रिलेशन विद योर लवर, फैमिली, जॉब, बिजनेस, कहीं भी आप हैं तो अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत बनाइए। और यदि कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, कोई बहसबाजी हो जाती है तो ट्राई टू सॉल्व इट, उसको साथ में लेकर नहीं चलेंगे। जो मूलांक चार वाले हैं उनकी लव लाइफ में नया पार्टनर उनको मिल सकता है। सपोज़ कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आपको नया पार्टनर मिल सकता है और आप माता पिता भी बन सकते हैं। आपका कहीं कोई रिश्ता कमिटेड है, यदि आप कमिटेड हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है। मूलांक चार वालों के लिए यह भी संकेत मिल रहा है कि वो एक अपने लिए कमिटेड पार्टनर चाहते हैं, सच्चा साथी चाहते हैं, वो उनको इस 6 महीनों में मिल जाएगा।
आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। आप बहुत व्यस्त और प्रैक्टिकल पर्सन हैं, इसलिए हो सकता है आप टाइम टू टाइम अपने परिवार को टाइम ना दे सकें, तो ऐसा मत कीजिएगा। अपनी फैमिली के लिए टाइम जरूर निकाल लीजिएगा। आप किसी पिलग्रिमेज रिलीजियस यात्रा पर भी जा सकते हैं और आपका मन भगवान की तरफ झुका रहेगा, आध्यात्मिक रहेंगे आप। आप अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए आप इस साल कुछ स्पेशल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी, पर देखिए बच्चों, एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपको जॉब के लिए भी देने पड़ सकते हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलेगी, मेहनत करेंगे तो आप टॉप लाइन में आ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपको मेहनत कीजिए और सक्सेसफुल होइए। आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ मूलांक चार वालों को क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले उनको एक बात मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि राहु छाया ग्रह है और मूलांक चार रूल्ड बाय राहु है, तो आपको शनिवार को शनिदेव या भैरव बाबा की और शिव जी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। भोले बाबा की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। सोमवार के दिन उनका रुद्राभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, दूध घी चीनी ये सब जो भी आप चढ़ा सकते हैं, पर अंत में स्वच्छ जल ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और या फिर आप और आपको शिव जी की एक माला नमः शिवाय की फेरनी है, डेली फेरना शुरू कर दीजिए। जैसे ही मेरा वीडियो देखते हैं वैसे ही शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाइए और किसी भी नहर में या कहीं पोखर में कहीं तालाब में डाल दीजिए, जहां आपको मछलियां लगता है कि मछली होगी वहां डाल दीजिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालने से भी आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। आपका जो लकी कलर है वो है ग्रे एंड मल्टी शेड्स, मिक्स शेड्स की जो होती हैं चीज़ें वो, या ग्रे कलर। आपका शुभ अंक है 5, 6 and 1। आपकी डायरेक्शन जो है अच्छी, लकी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। लकी डे है थर्सडे। आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि रेड कलर यू शुड अवॉइड। नंबर नाइन कोई भी काम करने जा रहे हैं यदि उसमें नंबर नाइन आ रहा है तो एक बार उसको अवॉइड कीजिए। साउथ डायरेक्शन एंड ट्यूजडेज, इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। और दोस्तों, मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा, जो प्रिकॉशंस बताई हैं वो भी ज़रूर ले लीजिएगा। आप उपाय करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे तो बहुत स्मूथली ये 6 महीने आपके निकल जाएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है दे ऑल्सो नीड इट। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।